मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज यानी कि सोमवार को देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कल मंगलवार को 5 जनपदों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके तहत देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। इसी दौरान उन्होंने लोगों से सावधानी एवं सतर्कता बरतने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख अगस्त की हो गई है और पिछले जो 24 आवर्स हमारे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिली है, नॉर्मल है हालांकि, और अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिली है। जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इसके साथ ही जो भारी वर्षा है वो एकाधुक्का जगहों में आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में भी वो मिली है। आगे अगर मौसम की बात करें, आज 19 है और कल 20 के लिए 2 दिन अगर देखें तो इसमें भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। अगर आज के लिए बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी और इसी तरह कल भी जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश 20 तारीख को मिलेगी। तो 19 और 20 में ज़्यादातर जगहों में आप कह सकते हैं हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में रहेगी। इसके साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है जिसमें कि हमने ऑरेंज अलर्ट भी किया है तो उसमें देहरादून है, बागेश्वर है ये और साथ साथ पिथौरागढ़ है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आज 19 तारीख के लिए रखे गए हैं। और इसके साथ जो भारी वर्षा की बात करते हैं तो अन्य भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी एकाधुका जगहों में भारी वर्षा आज मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी बारिश आज मिलेगी, मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। कल अब जब जा रहे हैं आप 20 तारीख को तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है।